इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये फीचर से लोडेड है गाड़ी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसके अंदर और सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड है इसकी, मतलब मज़ा आता है आपको इसकी सीट में बैठ के ना। इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ VIP नंबर जिसे हम कहते हैं 0008। Yo everyone, this is Irfan and welcome to My Country Married। आपका बहुत बहुत स्वागत है My Country Married के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आज हम कवर कर रहे हैं आप सबके लिए जैगवार की इकलौती SUV कार, जिस गाड़ी का नाम है जैगवार F-Pace। तो अब बात करने वाले हैं इस कार की, जो कि है प्री ओन्ड कार। 3000 किलोमीटर चली है ये कार। हमने आपको माय कंट्री मैरिड पे हमेशा से कोशिश अब यही करी है कि आपको कम चली हुई और अपर मॉडल की गाड़ी दिखाएं। गाड़ी अंडर वारंटी है 2023 तक, तो कितने सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे इस गाड़ी में वो आप जानिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन आती है उसको भी दबा देना, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम नई वीडियो डालते हैं रोज़ाना 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती है और आपको आपकी ड्रीम कार मिल जाती है बहुत जल्दी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रांड न्यू की से, जैगवार की ऑल ब्रांड न्यू। अब ये है जैगवार F-Pace 2.0 प्रेस्टीज मॉडल है ये। इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये फीचर से लोडेड है गाड़ी। इसके अंदर ऑटो पार्क का भी फीचर आपको मिल जाता है और जो बेसिक फीचर है वो मैं आपको अभी अंदर चल के दिखाऊंगा, बट पहले बाहर से कंडीशन देख लेते हैं। अब बाहर से जो कंडीशन है, रेड कलर में है कार, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर माना जाता है ये, जो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होता है। मेरी गाड़ी का भी यही कलर है और मेरा भी फेवरेट कलर वैसे रेड ही है। बात करें इसके हेडलैम्प्स की, तो इसके अंदर अपने को मिलते हैं जैगवार LED टेक्नोलॉजी एडेप्टिव LED लैम्प्स, जो कि आपको देख सकते हो कि कितने अच्छे लगते हैं, स्पेशली इसके DRLs। तो इसके जब DRLs है ना, ये जो शेप देख रहे हो आप DRLs, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अग्रेसिव लगती है। जो शेप है जैगवार की वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अपीलिंग रही है, यहाँ तक कि इसकी हेडलैम्प्स में जैगवार का आपको लोगो तक मिलता है। जो जैगवार का लोगो आपको यहाँ दिख रहा है, इसके अलावा हट के जो जैगवार का लोगो आता है वो आपको यहाँ पे लाइट्स में इजीली दिखता है, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। जैगवार LED टेक्नोलॉजी की आपको ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है। शेप देखिए, बम्पर देखिए कितना ज़्यादा स्पोर्टी है, ग्रिल देखिए कितनी ज़्यादा शानदार है। गाड़ी अवेलेबल है TCM दिल्ली पे, यानी द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों, और इसकी शेप आप देखोगे ना तो इतनी ज़्यादा टॉल नहीं लगती है गाड़ी कि मतलब चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जैसे GLS में है, थोड़ी वो ऊंची है इससे। वो भी एक SUV कार है, ये भी एक SUV कार है, बट इसके अंदर आपको प्रॉपर ऐसा फील होता है कि एक सेडान एंड SUV दोनों मिक्स है। ये मेरा मानना है, बाकी सबका मानना अलग होता है। अलॉय व्हील्स की तरफ अगर हम नज़र डालें तो इसके अंदर जो टायर प्रोफाइल है वो है 255/55R 19 inches के स्टॉक अलॉय व्हील्स हैं, जिसमें जैगवार की बीच में ब्रांडिंग मिलती है। देन साइड में भी अगर आप देखेंगे फेंडर पे, तो यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ जैगवार की ब्रांडिंग मिलती है। अब पीछे से देखते हैं, अब पीछे से जो शेप है ना, मेरे को 2-3 गाड़ियाँ हैं जिनकी पीछे से शेप ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि पीछे से वो बल्की लगती हैं, एक हल्क टाइप का लुक आता है इनके अंदर। वो है इवोक की लुक और वो है F-Pace की लुक, जो दूसरी गाड़ी है। पीछे के टेल लैंप्स देखिए कितने ज़्यादा बड़े, कितने ज़्यादा वाइड इसके टेल लैंप्स हैं और कितने सुंदर लगते हैं, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। ये गाड़ी है 20D ऑल व्हील ड्राइव, यानी AWD, यानी ये गाड़ी 4x4 है। यानी अगर आप इसे लेके जाओगे ना किसी भी टेरेन में, यानी अगर आप इसे पहाड़ों पे भी चढ़ाओगे, हिल्स में चलाओगे, मड में चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बनी ही उस काबिलियत के लिए है कि आप इसे कहीं भी चलाएं।
जैगवार की बहुत ही सुंदर ब्रांडिंग, पीछे आपको ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप और जो ये गाड़ी है एफ पेस वो भी आप देख सकते हैं। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अंदर, काफ़ी शानदार इसका बूट स्पेस है जो कि आपके लगेज रखने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ पे इसका फ्यूल कैप देख लेते हैं, ये गाड़ी है डीजल के अंदर, तो ये आ गया इसका जी फ्यूल कैप। अब पीछे से इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख लीजिए कितना ही ज़्यादा इसके अंदर आपको स्पेस दिख रहा है। अब आप सबसे पहले थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको डोर की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो देखिए, कितना सॉलिड, कितना हैवी डोर है। इसके अंदर बैठता हूँ, बैठने से पहले यहाँ पे आपको ना रिक्लाइन करने के लिए बटन दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये देखिए इसको प्रेस कर रहा हूँ तो वो सीट रिक्लाइन हो रही है, अगर आप नोटिस कर पाएंगे ना, तो ये देखिए। अब इसके अंदर बैठता हूँ तब आपको दिखाता हूँ, बैठ गए। अब इसके अंदर 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल AC है विद पैनारोमिक सनरूफ विद वेरी हैवी क्वालिटी एंड वेरी प्रीमियम रूफ। यार आप रूफ चेक करो इसकी, इतनी प्यारी रूफ है, क्या लगा हुआ है यार इसके अंदर, है ना, मज़ा आ रहा है भाई रूफ को देख के, तो वाकई आज मेरा दिल खुश हो गया बिल्कुल ही। यहाँ पे रीडिंग लैंप्स हैं, देन आर्मरेस्ट खोल लेता हूँ उसका। बाकी एज सच कुछ ज़्यादा फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स तो पीछे नहीं दिए गए हैं, विंडो के कंट्रोल हैं, AC वेंट साइड में दिए गए हैं, और जो फीचर हैं वो भी आगे गाड़ी स्टार्ट करके देखूंगा मैं। हाँ जी, तो अब मैं बैठ चुका हूँ जैगवार एफ पेस की ड्राइविंग सीट पे, और ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद जो एग्जैक्ट किलोमीटर की रीडिंग है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये गाड़ी चली है 3300 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल ऐसा समझो कि कुछ भी किलोमीटर नहीं होते 3300। तो अब बात करें अगर इसकी टॉप स्पीड की तो वो है 280। अब इसके अंदर जो ऑडोमीटर है वो डिजिटली ऑडोमीटर आपको मिलता है, इसके अंदर आपको पैडल शिफ्ट मिलते हैं, और इसके अंदर लगा हुआ है डीजल इंजन जो कि है 2 लीटर, तो आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। सारे जो कंट्रोल हैं आपको स्टेयरिंग पे मिल जाते हैं, मैनुअली एडजस्टेबल इसका स्टेयरिंग आपको मिलता है, देन रिवर्स कैमरा इसके अंदर मिलता है, कोई 360 नहीं मिलता, नॉर्मल आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, ऑटो पार्क असिस्ट आपको इसके अंदर मिलता है, यानी खुद ब खुद आप इस गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन देख पा रहे हैं आप, ये सारी टच स्क्रीन है, इसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एप्पल कार प्ले भी मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, वैलिड मोड भी मिल जाता है, यानी आप स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं। देन उसके आगे चलेंगे, देन एम्बिएंट लाइटिंग पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देख सकते हैं कितने सारे कलर हैं इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग के भी, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। देन इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको गियर नॉब जो मिलता है उसमें PRNDS, एस फॉर स्पोर्ट्स होता है इसके अंदर, स्पोर्ट्स मोड में चलानी है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसके अंदर, मोड्स इसके अंदर काफ़ी सारे मिलेंगे क्योंकि किसी भी टेरन में आप चलाना चाहें तो आप इसे चला सकते हैं। तो जैसे इको मोड आ गया हमारे पास, ठीक है, देन कम्फर्ट हो गया, देन डायनामिक हो गया इसके अंदर मोड, तो ये काफ़ी सारे मोड हैं जो इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं। देन ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, रेन में चलानी है, आइस में चलानी है, स्नो में चलानी है, हर तरीके से गाड़ी चल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इधर से स्पेस की, तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्टोरेज मिल जाती है, और सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड है इसकी, मतलब मज़ा आता है आपको इसकी सीट में बैठ के ना, आपको फील होता है कि आप किसी बड़ी गाड़ी में ही बैठें, कोई छोटी गाड़ी नहीं है। ऑल पैनोरामिक सनरूफ जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया, तो अभी आपको सनरूफ भी खोल के दिखा देता हूँ मैं एक बार। अभी आप ये देखिए सनरूफ काफ़ी ज़्यादा वाइड, काफ़ी ज़्यादा बड़ी सनरूफ है इसकी, अभी देखते हैं कितनी पीछे जाएगी, आई थिंक ये लास्ट है। हाँ, तो सनरूफ भी आप देख सकते हैं, इसे बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑडियो सिस्टम की और ड्राइविंग की, तो एक काम करते हैं इसके अंदर लगा हुआ है मेरिडियन का ऑडियो सिस्टम, ऑडियो सिस्टम सुनते हैं, ड्राइव का मज़ा लेते हैं, और फिर इसके पैसे डिस्क्लोज करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑडियो सिस्टम, इस टाइम हम है दिल्ली के अंदर और बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसकी जो ड्राइव है उसको। इस गाड़ी को चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है,
एक एसयूवी कार तो है ये, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं फील होता कि आपने बहुत बड़ी गाड़ी चला ली है कोई। अब ये देखो, यहाँ तो खैर सेडान को भी दिक्कत हो जाती है इस वाले खट पे। तो अब मैं थोड़ी सी इसे पंप करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे भागती है। देखिए लीजिए, अभी ये डी में है, अभी मैं इसे स्पोर्ट्स में करता हूँ, नीचे करूँगा। अभी ये अब देखो स्पीड, देखो इसे चेक करना कैसे भागेगी। अभी क्या मजा आता है इस गाड़ी को चलाने का, मतलब आपको कंट्रोल भी इतना अच्छा है ना। एक सबसे अच्छी बात क्या होती है किसी भी गाड़ी की, कि गाड़ी ना कंट्रोल में आनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि गाड़ी सिर्फ भागनी चाहिए, कंट्रोल में आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वही खास बात है इस गाड़ी के अंदर कि प्रॉपर कंट्रोल में आती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी बहुत अच्छी ड्राइव है इस गाड़ी की। 280 स्पीड है वैसे इसकी टॉप, देखो हाईवे पे ही हो सकती है वो टेस्ट, अभी तो नहीं हो सकती। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसका प्राइस जानते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइस है इस ब्यूटीफुल कार का। तो प्राइस बताने से पहले मैं आपको एक बार इंजन भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि 3000 चली है, ब्रांड न्यू है ये कार, ठीक है, बिल्कुल इंटैक्ट है। और बाकी अगर आपको इसकी कोई हिस्ट्री चेक करानी है तो आप TCM दिल्ली पे कॉन्टैक्ट करके वो भी चेक करा सकते हो, वो आपका अधिकार है। इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ VIP नंबर, जिसे हम कहते हैं 0008। HR की इसकी रजिस्ट्रेशन है, 2019 मैन्युफैक्चर्ड, 2020 की इसकी रजिस्ट्रेशन है। सिंगल ऑनर है ये कार, अंडर वारंटी है और अंडर वारंटी 2023 तक है, यानी अभी 2022 आना है और 23 तो अभी बहुत दूर है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ इस गाड़ी को लेके, अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता दिक्कत आएगी तो शोरूम से ही ठीक होके आएगी गाड़ी विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी पेनी। क्योंकि जब गाड़ी अंडर वारंटी होती है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गाड़ी में कुछ भी अगर होता है तो कंपनी टेक केयर करती है बिना किसी पैसों के। अब बात करते हैं इसकी डील की, कि क्या डील है TCM दिल्ली की 3000 किलोमीटर चली हुई जैगवार F-Pace प्रेस्टीज की। इस गाड़ी का जो आस्किंग प्राइस है TCM दिल्ली पे वो है 58 लाख रुपीज़, यानी 58 लाख रुपये की है इस गाड़ी की डील। तो अगर आपको ये डील समझ में आती है तो आपकी स्क्रीन पे मैंने नंबर चला दिए, आप लोग श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं TCM दिल्ली पे और अपनी डील को ग्रैब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ये लाल कलर का बटन दबा के। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रेगुलरली आपको गाड़ियों से रिलेटेड अपडेट देता ही रहता हूँ। और बने रहना कल भी, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए 10 बजे रात को एक नई वीडियो डालते हैं जिसमें हम आपको दिखाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन प्री ओन्ड कार्स। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी वीडियो के थ्रू लोगों के सपने जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूं अलविदा, कमेंट में कुछ लिख के ज़रूर जाना इस गाड़ी के बारे में या किसी भी गाड़ी के बारे में। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माई कंट्री मैराड। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड